आज कुछ एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ छोटे मोटे 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे रिलेट करके लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस का हम बेस बना सके और इसे सॉल्व कर सके। तो चलिए उन 4-5 क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद उन्हीं से कुछ नोट्स निकलेंगे, एक दो चार पॉइंट्स, ठीक, और वहाँ से फिर हमारा अगला टर्न होगा फैक्टर ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप। तो आज हम उन सारे 4-5 जो क्वेश्चंस के सेट हैं थोड़ा देर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप में कल पिछली बार जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर नॉर्मलाइजर हो किसी भी ग्रुप का, अरे सॉरी, किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर हो, ठीक है, तो वो उस ग्रुप में नॉर्मल होता है कि नहीं होता है। तो हमने उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी देखी थी कि नहीं हो रहा था। हमने एग्जाम्पल उठाया था S3 का, ठीक है, 6 ऑर्डर का परम्यूटेशन ग्रुप S3 उठाया था। चलिए उसी तरह आज कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास और है कि H और K किसी ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, H और K, ठीक है, और उनके इंटरसेक्शन को अगर हम ले रहे हैं तो उसमें केवल आइडेंटिटी आ रही है। H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं और उन नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो है आइडेंटिटी आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि H और K के सभी एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, मतलब H का एलिमेंट K के एलिमेंट से कम्यूट करता है, ठीक है। इफ H एंड K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ H एंड K इज जस्ट एन आइडेंटिटी सेट, देन एलिमेंट ऑफ H इज कम्यूट्स विथ एलिमेंट ऑफ K फॉर ऑल H एंड K बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल H, कैपिटल H एंड कैपिटल K। देखते हैं, चलिए इसको, ये प्रॉब्लम है हमारी। थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। लेट H एंड K बी अ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G सच दैट H इंटरसेक्शन K गिव्स एन आइडेंटिटी सेट ओनली, देन, तब वो क्या कह रहा है कि H K इक्वल टू K H फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड K belongs to K, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इससे कई सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर ये पॉसिबिलिटी हमें मिल जाए किसी तरीके से, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो ग्रुप हो सकता है एबिलियन बन जाए, ठीक है, और एबिलियन बन जाए तो हम साइक्लिक ग्रुप पे चल सकते हैं, और अगर ग्रुप एबिलियन बन जाता है तो उसके सभी सब ग्रुप क्या हो जाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि एच और के हमारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ऐसे ही मिलते रहे तो और भी सारे सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब यहाँ से हम इस चीज़ पर पहुँचेंगे कि हमें एक ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जिसके सभी सब ग्रुप जो हैं नॉर्मल सब ग्रुप हों, मतलब वो ग्रुप प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स के यूनियन से बना हो, ठीक है। तो जब नॉर्मल मिल जाता है तो बहुत सारे फायदे हमें मिल जाते हैं, एबिलियन हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है, ठीक है, साइक्लिक हो जाने की वजह से हम एक ही एलिमेंट से सबको जनरेट कर सकते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज जो अपने आप में डिफरेंस दिखाती हैं उनको मर्ज करके एक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, कम्यूटेटिव होने से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने का वही बेसिक तरीका क्या किया जा सकता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के,
तो हम देख लेते हैं भाई, एक एक एलिमेंट उठाते हैं किससे, एच से, और एक एलिमेंट के से, ठीक है, गिवन, थोड़ा इसको इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, गिवन एच इज नॉर्मल टू जी, देन देन फॉर एनी स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगर एच नॉर्मल है जी में, तो हमारा जो हम के से एलिमेंट उठाते हैं, हम क्या करते थे, अगर एच जी में नॉर्मल होता था तो जी से कोई एलिमेंट उठाते थे, जी ऐसा करते थे, जी से कोई एलिमेंट उठाते थे और कहते थे जी इनवर्स एच जी हमारा कहाँ होना चाहिए था, एच में ये होना चाहिए था, फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, ऐसा कहा करते थे, ठीक है। यहाँ पे के हमने कहाँ से उठाया है, कैपिटल के से, लेकिन के तो सब ग्रुप है ना जी का, के तो जी का सब ग्रुप है, मतलब जी का सबसेट है, तो के एक एलिमेंट कहाँ का हो गया, जी का हो गया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि के हमारा एलिमेंट कहाँ का हो गया, जी का हो गया, ऐसे नहीं लिखते थे इसको, ये देखिए ये जी अगर जी में है तो यहाँ से एच में हुआ करता, डिफिनीशन थी नॉर्मल होने की, तो ये यहाँ से जी में चला गया और ये हमने लिख लिया, ये पहला, पहला नहीं, इसको आप अभी हटा दो, पहला वाला मत करो, ठीक है। अब देखिए के इनवर्स एच के लिखा है ना, यहां से, यहां से आप ये भी कर सकते हो कि के इनवर्स एच के, एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगर ये पूरा का पूरा एच में है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट अगर हमारा H में है, तो इसमें H इनवर्स भी अप्लाई करेंगे तो H में होगा। H का कोई एलिमेंट ले लिया P और दूसरा एलिमेंट ले लिया P इनवर्स या Q इनवर्स, ठीक है, तो वो भी कहाँ चला जाएगा, H में ही चला जाएगा। H सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा ना, तो ये भी कहाँ चला गया, H में, और इसे आपने कर लिया क्या, पहला वाला, मतलब पहला इक्वेशन या पहला जो भी, सिमिलरली एकदम यही प्रॉपर्टी फॉलो करानी है यहाँ पे, यहाँ पे आप सिंपली अब क्या कर लो, अब यहाँ पे आप देख लो, अभी हम H को नॉर्मल लेके चल रहे थे, अब हम क्या कहेंगे के लेट K इज नॉर्मल टू G, अगर K G में नॉर्मल है, देन For H belongs to H implies H belongs to G, we have क्या हमारे पास हो जाएगा, H K H inverse belongs to K, कहाँ से, ये वाला, ये वापस, ठीक है, H K H inverse, ठीक है। अब यहां से अगेन ऑल्सो, अगेन नहीं ऑल्सो, यहां पे आप के अप्लाई कर दो, ठीक है, के इनवर्स अप्लाई कर दो, के इनवर्स एच के, एच इनवर्स बिलोंग्स टू के, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट अगर के में है, अगर कोई भी एलिमेंट के में है और के से एक और एलिमेंट उठा लिया, तो उसका इनवर्स भी के में होगा, तो इन दोनों का ऑपरेशन भी कहाँ होगा, के में होगा, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा, सब ग्रुप है इसलिए। तो यहाँ से ये भी हमें मिल गया, क्या दूसरा मिल गया, ये दूसरा वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा पैटर्न आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है दोनों में है, एच में भी है और के में भी है। यहाँ से देखिए एक दो, यहाँ से ये पता चल गया implies क्या, कौन कौन से एलिमेंट, K
के इनवर्स एच के एच इनवर्स एच में भी है और के में भी है, के इनवर्स यहां से के इनवर्स एच के एच इनवर्स ये कहां पे है, एच इंटरसेक्शन के में भी है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि एच इंटरसेक्शन के में केवल और केवल आइडेंटिटी आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन में ये दिया था। इसका मतलब ये आइडेंटिटी होना चाहिए, इंप्लाइज के इनवर्स एच के एच इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, एच के इक्वल टू के एच, क्योंकि इसको इधर भेज दो तो ये एच हो जाएगा, इसको इधर भेज दो के हो जाएगा, एच के हो जाएगा, ठीक है, एच के इक्वल टू के एच। आप यहाँ पे के अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करके देख लेना तो के बचेगा और फिर एच हटाने के लिए लास्ट में एच अप्लाई कर देना, तो एच के इक्वल टू के एच, ये हो गया फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एच, के और एच तो आर्बिट्री है तो ये सबके लिए होल्ड कर जाएगा। इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूफ कर लिया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसी तरह का, तो ये यहां से एबिलियन वाली प्रॉपर्टी हमें मिल गई कि ग्रुप क्या होने लगा, अब ग्रुप क्या ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा एबिलियन। यहां पे इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसा हो जाए, ये किस केस में हो रहा है, दो एक ही केस है कि H और K नॉर्मल सब ग्रुप हो और उनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ जाए तो H के इक्वल टू KH हो जाएगा, ठीक है। अगर उस ग्रुप के मान लीजिए 20 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो हर H1, H2 का अगर कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी आ जाए, हर नॉर्मल सब ग्रुप का अगर कॉमन एलिमेंट केवल आइडेंटिटी आ जाए तो क्या होगा, उन नॉर्मल सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहेंगे, कम्यूट करेंगे। इसका मतलब जी के एलिमेंट आपस में क्या हो रहे होंगे, कम्यूटेटिव हो रहे होंगे। इसका मतलब जी का हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। इसके लिए होना क्या चाहिए कि एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, जी में अगर सभी के सभी प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल हो जाते हैं, जी में अगर सभी के सभी प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल हो जाते हैं और वो ऐसे हो जाएं कि उनका हर एक का इंटरसेक्शन एक दूसरे से केवल आइडेंटिटी आ जाए, तो हर एलिमेंट आपस में क्या होगा, कम्यूट करने लगेगा, तो हमारा जी हो जाएगा एबिलियन। वही थ्योरम अगला है हमारा, कौन सा देखिए, अच्छा इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, एग्जाम्पल में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले कि ये बात हमें दिखे, होल्ड करे। तो अब तक एग्जाम्पल में हम लोग वही चार पांच एग्जाम्पल लेके, क्वार्टनियन ग्रुप, कैलेंस फोर ग्रुप, ZN, S3, ठीक है, Q8 मतलब क्वार्टनियन ग्रुप, ठीक है, यही सब लेके चल रहे थे, ठीक है। तो जरा Q8 ले लीजिए आप, Q8 देखिए, Q8 इसमें कौन सा होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के, ये होता था। इसके सब ग्रुप लेने होते थे तो हम क्या, कौन कौन से सब ग्रुप लेते थे, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होता था एक ठो, वन और माइनस वन एच वन। ऑर्डर 4 के सब ग्रुप होते थे 3 ठो, कौन से, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई एच थ्री, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस जे एच फोर, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस के, ठीक है, ऐसा हुआ करता था। और हम देखते थे कि ऑल सब ग्रुप्स आर ऑफ Q8 आर नॉर्मल ऑल्सो, वी नो दैट ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q8 आर नॉर्मल, ऐसा हुआ करता था।
ठीक। अब इनमें से दो सब ग्रुप ऐसे उठाइए जिनका इंटरसेक्शन केवल और केवल आइडेंटिटी आए। पॉसिबल है ऐसा उठाना कि जिनका इंटरसेक्शन केवल और केवल आइडेंटिटी आए? आई थिंक इसमें ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अगर आप H1 का H2 से इंटरसेक्शन लेते हो तो प्लस माइनस वन दो मिल जाएगा, मतलब दो तो चाहिए नहीं हमें। H2 H3 लेंगे तो भी, H3 H4 लेंगे तो भी, मतलब हर केस में आइडेंटिटी से ज़्यादा एक और मिल जाएगा। एक ही केस बचता है कि अब देखिए, इफ H इक्वल टू वन एंड H1 इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन। देखिए दो सब ग्रुप हैं भाई, आइडेंटिटी भी तो सब ग्रुप है ना, ट्रिवियल सब ग्रुप है उसका, तो इनका इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन H1 क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो H और K के एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, आप देख लो, वन और वन, वन और माइनस वन एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। वन को माइनस वन पे ऑपरेट करो या माइनस वन को वन पे ऑपरेट करो, रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये तो कोई छोटा सा हम क्यूएट टाइप का ले लिए कि आपको सब दिख जाए डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन से एक बात और क्लियर हो जाती है। देखिए अगर यहाँ पे वन और माइनस, यहाँ पे हमें नॉर्मल सब ग्रुप्स जो मिले हैं ना उसमें एक से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, एक ही मिलना चाहिए था, वो भी आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसा ग्रुप मिल जाता है जिसके सभी सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए और उन सारे सब ग्रुप्स में कॉमन खाली आइडेंटिटी आए, ठीक है, तो इनके एलिमेंट आपस में क्या होंगे? कम्यूट करेंगे। H1 H2 का भी कम्यूट करेगा, H2 H3 का भी कम्यूट करेगा, H3 H4 का भी कम्यूट करेगा। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे आप सब ग्रुप के, सबके एलिमेंट आपस में क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या कहने लगेगा कि G के हर एक एलिमेंट, Q8 के हर एक एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या हो जाता है? एबिलियन हो जाता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी, यहाँ तक हमको जाना था। तो क्यूएट में तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट समझने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक। अगर ऐसा हो रहा होता तो सभी आपस में क्या होते? कम्यूटेटिव हो जाते, ठीक। चलिए, इसका मतलब एबिलियन है तो हर सब ग्रुप नॉर्मल हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा? उनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ रहा होगा, ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है यही, मतलब अगला थ्योरम ही यही है कि इफ जी इज अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय नहीं विच इज यूनियन ऑफ प्रॉपर यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। इफ जी इज अ ग्रुप विच इज यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स देन एंड सच दैट ठीक है, सच दैट एनी टू ऑफ देम हैव सच दैट एनी टू ऑफ देम हैव ओनली वन कॉमन एलिमेंट दैट इज आइडेंटिटी। देन जी इज
एबीली, ये ऐसा, वही जो बात हम लोग पीछे कर रहे थे कि अगर ये कोई दूसरा ग्रुप होता, क्यूवेट है दूसरा, सोच के चलिए आप, अगर ये कोई दूसरा ग्रुप होता जिसके सभी प्रॉपर नॉर्मल, ये सारे सब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप है जिसके सभी ये क्या है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप इन सारे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स का क्या है, यूनियन है। बस इसमें एक कंडीशन और आ जाती कि किसी भी दो सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन केवल और केवल आइडेंटिटी मिल जाते तो हम क्या कह देते कि ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, एबिलियन है। तो यहाँ पे सारी चीजें बस वही लेके चलनी है। कैसे होगा, ठीक है, लेट जी हमारा क्या है, एच वन यूनियन एच टू यूनियन कहां तक, एच एन या एच आर या एच एन ले लो आप जो भी, ठीक, ये फॉर एच आईज आर नॉर्मल टू जी, अगर ये सभी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप हो गए किसी उस ग्रुप के, तब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो कह रहा है कि इसका होने के बाद किसी भी दो सब ग्रुप का एलिमेंट क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। अब यहां देखिए केस फर्स्ट, पहला केस क्या होता है, अगर सभी सब ग्रुप, सभी नॉर्मल सब ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है, अगर सभी नॉर्मल सब ग्रुप डिफरेंट है, मींस एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे फॉर एनी आई एंड जे, एच वन और एच टू अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, एच वन और एच टू अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, एंड इसका इंटरसेक्शन जो है आइडेंटिटी आ रहा है, देन इसका मतलब क्या होगा, एच आई एच जे इक्वल टू एच जे एच आई। अभी ऊपर पीछे पढ़े थे कि अगर दोनों सब ग्रुप डिफरेंट हैं तो ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो गया, अगर ऐसा हुआ इसका मतलब इंप्लाइज जी इज एबिलियन, ठीक, अगर ऐसा होता है तो जी हमारा क्या हो जाता है, एबिलियन हो जाता है। ये हमने क्या किया, किसी भी दो नॉर्मल सब ग्रुप को उठा लिया, हमें नहीं पता कौन, हमें एच आई और एच जे दो नॉर्मल सब ग्रुप थे, पहले मान लिया कि ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं और इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ रहा है, तब प्रीवियस प्रॉब्लम अभी मैंने देखा था उसके हिसाब से क्या हो रहा था कि इन दोनों के एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, तो ये तो दो सब ग्रुप की नॉर्मल सब ग्रुप की बात हुई, लेकिन चूंकि ये आर्बिटरी हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो इस तरह सारे नॉर्मल सब ग्रुप ले प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, इसका मतलब सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट कर जाएंगे, तो जी क्या हो जाएगा, एबिलियन, अगर ये डिफरेंट हैं तो, और अगर सेम हो गए, अगर कोई भी रैंडमली दो सब ग्रुप हमने नॉर्मल सब ग्रुप उठा लिया और वो सेम मिल गए, ठीक, इफ एच आई इज इक्वल टू एच जे फॉर एनी आई एंड जे, अगर रैंडमली आपने कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप उठा लिया और दोनों क्या हो गए, सेम, अभी तो क्या चल रहा था, डिफरेंट, तब तो क्लियरली दिख गया था, अगर दोनों हो गए सेम तब क्या करेंगे, देन देन एच आई एच जे दोनों कहां चले जाएंगे, इसी में चले जाएंगे, ठीक है, आप एच आई एच जे से कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा हटा लो, देन एक्स वाई कहां चले जाएंगे, एच आई में, ठीक है, ठीक, दोनों के दोनों कहां चले जाएंगे,
एक्स बिलोंग्स टू एच आई, वाई बिलोंग्स टू एच जे, इसको हटा के एंड लेट, इसको भी हटा लो, ठीक है, ये ठीक है। अगर एच आई इक्वल टू एच जे हो और एक्स एच आई में हो वाई एच जे में हो तो एक्स वाई दोनों कहाँ चले जाएंगे, एच आई में, किसी एक ही में जाएंगे ना, दोनों बराबर हैं तो किसी में ले लो आप, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट भी तो होगा उसमें, कुछ तो दूसरा एलिमेंट होगा। चलिए आप एच आई और एच जे दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो एक्स और वाई उसके एलिमेंट हैं और वो एक ही में चले गए, तो एक्स वाई के अलावा कोई ये दूसरा एलिमेंट हो गया जी, जी कहाँ होगा, लेट देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी अदर देन एक्स कॉमा वाई सच दैट अभी क्लास लेके आ रहे हैं। चलिए छोड़िए, तो यहां से हमारा क्या हो गया जी एबिलियन हो गया, ठीक है, सॉरी कहां चले गए थे, यहां चले गए थे, जी अगर दूसरे में चला गया, ठीक है, देन एच के, भाई वो नॉर्मल सब ग्रुप्स का ही यूनियन है तो जी किसी न किसी सेट में होगा और वो सेट नॉर्मल है तो किसी और में चला गया। अब देखिए एक एलिमेंट चला गया एच के में और एक एलिमेंट एक्स और वाई एच आई में हो गए, और ये दोनों तो डिफरेंट है ना। नाउ एच आई एंड एच के आर डिफरेंट देन अगेन जी एक्स इक्वल टू एक्स जी, दो डिफरेंट सेट के लिए अभी पीछे प्रॉब्लम करके आए हैं, ऑल्सो जी वाई इक्वल टू वाई जी, ये दोनों होगा, और जी अगर एच के में है तो जी एक्स भी क्या होगा, एच के में होगा। हेयर G belongs to HK implies GX also belongs to HK, और GX HK में है तो GX भी कम्यूट करेगा इन सब से X और Y से, GX भी कम्यूट करेगा X और Y से, implies GX कम्यूट करेगा Y से, ठीक है, ठीक है, GX Y equal to Y GX, ठीक है, implies जी एक्स वाई इक्वल टू वाई जी एक्स, बट वाई जी हमारा क्या है, जी वाई है, यहां से देखिए ये वन ये टू, वाई जी हमारा क्या है, जी वाई है, तो यहां से जी वाई एक्स, ठीक है, तो जी एक्स वाई इक्वल टू जी वाई एक्स, ये ऊपर चले जाइए जी एक्स वाई इक्वल टू जी वाई एक्स, ये हमारा g और g क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, हेंस g इज एबिलियन, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स वाई था कहां का, g का ही तो था ना, अल्टीमेटली एक्स वाई कहां का एलिमेंट था, g का एलिमेंट था। तो इसमें पहले केस में क्या किया है कि अगर दो, जैसे हुआ क्या ना यहाँ पे, टोटली एक ग्रुप उठाया और वो ग्रुप यूनियन है इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स का, ग्रुप अपने प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स का यूनियन है, तो मान लेते हैं कि H1, H2, H3, H4 और HN ऐसे करते करते पहुँचे हैं ये यहाँ तक, यूनियन है इसका, तो हम कोई भी रैंडमली दो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप उठा लिया, H3, H4 उठा लिया, ठीक है, हमेशा आप क्या देख रहे हो कि कह रहा है कि कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप उठाओगे तो कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी मिलेगा आपको, तो H3 और H4 उठाया
दोनों डिफरेंट थे, उनका कॉमन एलिमेंट क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, तो वो दोनों एलिमेंट, उन दोनों के एलिमेंट आपस में करेंगे कम्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, देखा था, तो भाई उन दोनों H3 H4 के तो कम्यूट कर गए, ठीक है, तो H5 H6 के भी करेंगे, H7 H8 के भी करेंगे, तो हर डिफरेंट नॉर्मल सब ग्रुप्स के एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, अगर वो डिफरेंट हुए तो पक्का कम्यूट करेंगे, केस वन क्लोज। दूसरा, अगर हमने दो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप उठा लिया और बाय द वे गलती से वो सेम निकल गए, अगर गलती से वो सेम निकल गए, तब हमने कहा ठीक है चलो सेम निकल गए तो कोई बात नहीं, हमने उन दोनों से एलिमेंट उठा लिया था, एक्स उठाया था H1 से, Y उठाया था H2 से, देखा कि H1 H2 तो सेम है, कोई बात नहीं, अगर H1 H2 सेम है, XY उठाया है, तो दोनों एलिमेंट किसी एक ही में रहेंगे, मान लेते हैं कि H1 में है, तो ठीक है, कोई तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं G, वो तो किसी न किसी सेट में होगा, H1 में नहीं होगा, H1 में XY ही थे तो H2 में होगा, कोई तो XY से डिफरेंट होगा जो किसी और सब ग्रुप में होगा, ठीक है, H1 H2 अगर सेम है तो कोई H3 उठा लिया, तो अब आप देख लो G उठा लिया किसी H3 से, तो H3 और H1 या H3 और H2 ये तो डिफरेंट हो ही गए, तो H3 और H1 या H3 और H2 के एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, तो GX और XG कम्यूट करेंगे, GY या YG ये होगा, GX इक्वल टू XG, GY इक्वल टू YG, यहाँ से दो मिल गए। अब अगर G हमारा H3 में था तो GX भी कहाँ चला गया, H3 में, ठीक है, जी हमारा H3 में तो GX भी कहाँ, H3 में, ठीक है, तो आप देखो यहां से क्यों ऐसा क्यों, जी हमारा H3 में तो GX भी H3 में, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो अगर हम कोई एलिमेंट जी नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या करते हैं, जी से कोई एलिमेंट उठाते हैं कैपिटल जी से स्मॉल जी और उसको किसी पे भी ऑपरेट कराएंगे तो वो उस सब ग्रुप में जाएगा, तो GX हमारा चला गया H3 में, इसी तरह GY भी कहाँ चला गया, H3 में, अब यहाँ पे GX पे Y को ऑपरेट करिए तो ये भी कम्यूट करेगा, चूंकि H3 में चला गया तो फिर से कम्यूट करेगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया, टिक, GXY इक्वल टू YGX और यहाँ से दोनों को पुट किया आंसर, तो ये हो गया। चलिए, तो वो एक थ्योरम था, वो प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई, ठीक। अगला